तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। तो हमारी जो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है केमिन ई स्पोर्ट्स को लेके। तो जो केमिन है उन्होंने अपना जो रोस्टर है फीफा का, उसके एक प्लेयर की अनाउंसमेंट आज कर दी है, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गोल्डी बाई को लेके। तो उनसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो रेगल टॉस है उनकी कितनी इनकम है, एंड उन्होंने इसके ऊपर रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। रेगा का इनकम पूछना जरा, गोल्डी भाई कितने लाख हर मंथ होगा? सुन लो, रेगा का इनकम होगा वो साल में एक रेंज रोवर आराम से खरीद सकता है हर साल, और फिर भी उसके बैंक में थोड़ा पैसा बचा रह जाएगा। एंड इसके बाद जो रुशिंद्र सर है उनसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो वेलोरेंट मोबाइल है वो कब हमें देखने को मिलेगा। तो इस पे भी उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। नैनो मोबाइल फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग प्रोबेबली समटाइम दिस ईयर, फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग प्रोबेबली समटाइम दिस ईयर। मैं सिग्नल पे पार्क टू गाइस, इसीलिए मैं एंड वीडियो में आगे बढ़ने से नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है रुशिंद्र सर को लेके। तो उनसे बहुत लोग मान्या के बारे में पूछ रहे थे, तो इसके ऊपर भी उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। मान्या का फेवल पोस्ट कब आएगा ब्रो? पबजी का बीजीएमआई का फेवल पोस्ट आने का ये है। वी प्लेयर के बारे में छोड़ो, वी हैव नॉट लेट गो ऑफ एनी ऑफ आवर प्लेयर्स। आई दैट बीइंग सेड, वी आर पेइंग द अग्रीड सैलरी टू ऑल आवर प्लेयर्स इंक्लूडिंग मान्या। सो वी हैवंट लेट गो ऑफ एनी प्लेयर। जब तक ऑफिशियली वी हैवंट लेट गो ऑफ एनी प्लेयर देयर विल बी नो अनाउंसमेंट। वी आर स्टिल सपोर्टिंग आवर प्लेयर्स इवन दो द गेम हैज बीन ब्लॉक्ड करंटली, एंड टिल द गेम कम्स बैक वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट आवर प्लेयर्स, एंड वंस द गेम कम्स बैक वी विल इंक्रीज द सपोर्ट फॉर आवर प्लेयर्स डेफिनेटली। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं बीजीएमआई के बारे में। तो बीजीएमआई के ऊपर कुछ अपडेट्स हमारे को स्पेरो एंड ब्लेज की तरफ से देखने को मिली थी, तो उनकी वो वाली क्लिप भी आप लोग देख लो। कोड यमराज ओपी जो एक ट्विटर पे हमारे ही कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक आरटीआई दायर करी थी जिसका रिप्लाई आया मीटी की तरफ से। वो सभी आपने मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा होगा। तो उनका जो रिप्लाई आया है वो यही आया है कि डाटा सिक्योरिटी की वजह से बीजीएमआई को ब्लॉक करा गया। अब एक अच्छी खबर यही है कि बीजीएमआई बैन नहीं है, बीजीएमआई सिर्फ ब्लॉक है। लाइक देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैनिंग समथिंग एंड ब्लॉकिंग समथिंग। बैनिंग मतलब आप उसको यूज ही नहीं कर पाते, लाइक जो यहाँ पे बीजीएमआई खेल रहे हैं वो लोग खेल नहीं पाते, सर्वर ही चले जाते। बट ब्लॉक किया है मतलब गेम को डाउनलोड नहीं कर सकते, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। सर्वर्स अभी भी चल रहे हैं, जो पैसे आप और डाटा आप बाहर भेज रहे थे वो डाटा बाहर नहीं जा सकता इंडिया से, वो इंडिया के अंदर ही है। आरपी परचेजेस तो बंद हो चुके हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। तो या दैट इज इट। कमबैक की जो बात है उसके विषय में सबसे बड़ी चीज़ है जो लीक लीक की बात हो रही है ना कि लीक्स आ रहे हैं लीक्स आ रहे हैं, मैं कहता हूँ लीक आ ही नहीं सकते। बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मामला है, जैसे धारा के तहत बीजीएमआई को ब्लॉक करा गया वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्राफ्टन को बोला हुआ है कि आप कुछ भी चीज़ें लीक नहीं कर सकते। सो अभी कोई भी आपको अगर लीक दे रहा है तो वो लीक सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि लीक है ही नहीं किसी के पास। भाई गेम का क्या सीन आ रहा है या नहीं? गेम गेम तो आ रहा है दोस्त, गेम तो आएगा, ये लीक कर लो गेम आएगा, पर कब आएगा ये मेरे को थोड़ा बहुत हिंट है पर मैं बताऊंगा नहीं। बिकॉज दिक्कतें आप लोग को फालतू होप्स आ जाएगी कि यार मैंने बोला तो है उस टाइम आएगा, आप लोग वेट करते रहोगे, ये आएगा उतना रश और ब्रो। बीजीएमआई का सब बोल रहे हैं कि आ जाएगा ईयर एंड तक, आई डोंट नो, आई डोंट आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। ये पबजी के लिए भी मैंने बहुत स्पेकुलेट किया था, दिवाली में आने वाला था, क्रिसमस में आने वाला था, न्यू ईयर में आने वाला था, रिपब्लिक डे पे आने वाला था, कभी नहीं आया। सो आई वॉन्ट द गेम टू कम बैक, अंडरस्टैंड, लाइक मैं चाहता हूँ गेम वापस आए। आई डोंट नो, आई डोंट नो आएगा कि नहीं। एंड इसके बाद जो नियो है उनसे भी बहुत लोग दुबई से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो इस पे भी उन्होंने रिप्लाई किया है, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। नियो भाई फॉरेन शिफ्ट होकर पबजी खेल लेते तो कितना मजा आता है। क्या नियो यार बीजीएमआई के लिए खेलता है, क्योंकि बच्चे अपने को पता ही नहीं ना गेम का भी आने वाले बच्चे बच्चे ऐसा होपलेस हो रहा है ना। लास्ट टाइम बच्ची तो भी अपने पास थोड़ा हिंट्स था, बच्ची टाइम तो हिंट्स भी नहीं बच्चे। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है एस पावर को लेके। एंड उनका इंटरव्यू हुआ था स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ, तो इसी में उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अभी के लिए प्रैक्टिस एंड ग्राइंड पे फोकस करने वाले हैं, एंड 6 मंथ के बाद वो 16 एज के हो जाएंगे, एंड इसके बाद वो ऑफिशियल टूर्नामेंट पर फोकस करेंगे, एंड अभी के लिए वो स्टडी एंड प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हैं। एंड इसके बाद उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने, आप लोगों को भी पता ही है, अभी कुछ दिन पहले गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को लीव किया था,
तो उससे रिलेटेड उनसे पूछा गया एंड इसका रीजन पूछा गया एंड साथ में उनसे पूछा गया था कि कौन सी ऑर्ग को अब ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया था कि यार जो गेम है वो अभी सस्पेंड है एंड उनके जो पेरेंट्स है वो चाहते थे कि वो स्टडी पे फोकस करें एंड यही रीजन था कि उन्होंने लीव किया था ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक नॉर्मल डिसीजन था एंड इसके बाद जब वो 16 के हो जाएंगे तब वो न्यू ऑर्ग से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेने वाले हैं एंड उनके रिप्लाईज जो है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो अक्षत हैं वो हमारे को खेलते हुए नहीं दिखाई देते टीम सोल के साथ। तो इसी के ऊपर जो ओमेगा है उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी स्ट्रीम पे, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। इतना सीरियस कॉलेज भाई, अरे जाना पड़ेगा ना अभी बहुत जल्दी, मतलब अभी स्टार्ट है उसका, अभी क्या ही करेगा वो, आके गेम खेल लेता है क्या करेगा पूरे दिन, वो कस्टम खेलता नहीं है उसका, उसका ऐसा है कि जब तक गेम नहीं है और वो ज्यादा खेलेगा ना तो उसके अंदर का वो खेलने वाला सीन डेड ना हो जाए, तो इस वजह से वो कम खेल रहा है, बस अपना नई सेंसिटिविटी वगैरह जो भी ट्राई करनी वो ट्राई कर रहा है और अपना कॉलेज जा रहा है रेगुलर। एंड इसके बाद जो शेडो है उनसे बहुत लोग बोल रहे थे कि जैसे यार चार प्लेयर गॉड लाइक में स्टिक कर रहे हैं काफी टाइम से, वैसे ही आप उनके साथ स्टिक करना। एंड इस पे उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। चलो भाई कभी गॉर्डन लीव मत करना, जैसे ये चार एक साथ है इतने सालों से वैसे आप रनमैन के साथ, यस प्लान तो वही है भाई, मेरे को खेलना है इंटरनेशनल पर, थोड़ा सा चोक कर दिया तो तुम्हारा भाई भी इंटरनेशनल खेलता। सो गाइस, तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर लेना।